हाय गाइस, अभिषेक हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपसे इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो टॉपिक को लोग अक्सर समझते नहीं हैं या फिर उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ पीपल मियरली फोकस ऑन गेटिंग द रिजल्ट्स दैट दे वांट। हम लोग हमेशा रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, यहाँ पे ही हमें पहुँच के पीस मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा। बट फ्रेंड्स, दैट इज़ वेयर द मिसकंसेप्शन लाइज। आई मीन, वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, बट वी आर नॉट रियली लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, वी आर लिविंग इन द फ्यूचर। सो वी आर ईदर लिविंग इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज, दैट इज़ वेयर वी मेक द ग्रेव एरर। एंड आई नो दैट the importance of goal setting can only be understood if we make plans in the present moment for the future. I know that is a central truth. वो एक सही तथ्य है, that is a fact. But the problem is that हम लोग फिर future में ही जीना शुरू कर देते हैं. We don't feel satisfied by the achievements of today. I'm not talking about becoming complacent. मैं उस बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग अपनी प्रीवियस विक्ट्रीज को लेके बैठ जाए, आराम करें, यू नो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट प्लीज़ प्लीज़ एन्जॉय द जर्नी। अपनी जर्नी को एन्जॉय कीजिए, रिलिश कीजिए। आपकी जर्नी का जो फ्रेग्रेंस है, यू नो, दैट इज़ अटरली इनकम्पेरेबल। वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अगर आप जर्नी को एन्जॉय करेंगे, इफ़ यू रियली एन्जॉय द जर्नी, इफ़ यू एन्जॉय एवरी आउंस ऑफ इट, आप एवरी लिटिल बिट को एन्जॉय अगर करेंगे, तो आपको वो रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। बट जर्नी को हम ड्यूअलिटीज़ में देखते हैं, लाइक द गुड पार्ट एंड द डिफ़िकल्ट पार्ट। सो वी सी इट इन ड्यूअलिटी, बट दीज आर नॉट ड्यूअलिटीज़, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सो the challenges as well as the triumphs are the two sides of the same coin. That is what I want to say, कि आप अपनी journey को enjoy कीजिए, आप अपने obstacles को भी enjoy कीजिए, अपनी challenges को भी enjoy कीजिए। And I know it is very difficult, it is rather easier said than done, कि हाँ भाई, आपने तो बोल दिया कि you know challenges आप enjoy कीजिए, but आप उन challenges को अगर interpret करोगे as opportunities, not as adversities, okay, if you interpret them as opportunities, not as adversities, then those difficulties which appear to be like a boulder, like rocks, they will help you climb the mountain of your goal. So please, आज मेरी आपसे ये request है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप शायद अपना degree course pursue कर रहे हो, आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, आप अपना जॉब कर रहे हो, या आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, या आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आप एक फ्रीलांसर हो, आप जो भी कर रहे हो, अगर आपके पास अभी काम नहीं है, तो भी आप इस टाइम को एंजॉय कीजिए, आप इस टाइम में सीखिए। इफ़ यू लर्न ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस पोस्ट कोरोना टाइम, आई फील दैट हम लोग एक रियली हारमोनियस environment create कर सकते हैं। and during this difficult time, during this chaotic time, during this time of mass hysteria, I really feel कि हम लोग harmonious environment, एक solace भरा environment अगर create करेंगे, तो वो सिर्फ हमारी growth के लिए अच्छा नहीं होगा, वो तो दूसरों के growth में भी assist करेगा। let's create an environment where you know we can help others to succeed as well, not just ourselves. We are always focused on promoting ourselves. I mean, so you know, आज अगर आपके पास कुछ time है, तो promote कीजिए किसी और का work, किसी और का business promote कीजिए। I think that will be really, really a good deed. आप अपनी journey को भी enjoy कीजिए और आप दूसरों की journey को भी enjoy कीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है टुडे दैट प्लीज़ एन्जॉय योर जर्नी, एन्जॉय द ऑब्स्टिकल्स, एन्जॉय द अपॉर्चुनिटीज़, एन्जॉय द माइलस्टोन्स, एन्जॉय द स्टेपिंग स्टोन्स। सो योर एडवर्सिटीज़, योर डिफ़िकल्टीज़, योर चैलेंजेस आर स्टेपिंग स्टोन्स
which will be converted into milestones, which will be transformed into milestones. So please relish your journey, the good times, the triumphs, as well as the failures. As I've written in my book, Vitamin H, that failures, I'm proud of my failures. Failures help me become a stronger and better human being. तो आप उसको भी enjoy कीजिए and please also enjoy the journey of others. Appreciate the journey of others. अगर आप वो चीज़ करेंगे तो आप इतनी positive energy भेजेंगे दूसरों की life में, वही positive energy आपकी life में लौट के आएगी. So friends, have a great day and I hope this video recharges you and gives you some influx of positive energy, which I really want to give, because I really believe that through serving others, through helping others, we can grow to our fullest. Thank you all for listening.